मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं कैंटीन के समोसे खाते। कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में दो बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी, और मेरे एक सरकारी दफ्तर में तीसरे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा, ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, दो शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पे छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, सर्दी क्या गर्मी क्या धूप क्या छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। वाह मनोज, वाह 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 वाह। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, कपड़ों खिलौनों और किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े किताबें खिलौने में जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। ओहो, ओहो। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल किसी चुनौती किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। वाह। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बॉयज, आपने हार्ट वाले स्टिकर से मेरा मैसेज बॉक्स भर दिया और रोमांटिक मेल्स लिख लिख के मेरा ईमेल अकाउंट क्रैश कर दिया। रोज इतना प्यार भेजते हैं आप मुझे, शुक्रिया। मैं समझती हूं जो आपके दिल का आलम है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे पापा हाय हाय, मां की हर ना पर चुपके से हां कर देने वाले मेरे पापा। ओहो, एक मांगू तो 10 हाथ पे धर देने वाले मेरे पापा। वाह वाह वाह। अपना अंगूठा जूते से बाहर झांकता रहा और मुझे महंगे सैंडल्स दिलाकर खुश होते रहे। बेचारे सीधे साधे थे, पर मुझे बिगाड़ने का इल्जाम पूरी जिंदगी अपने कंधों पर ढोते रहे, और अब तो मैं सचमुच बिगड़ चुकी हूं। मेरा दिल जीतने कोई सफेद घोड़े पर आए या फूलों की जगह मेरे रास्ते में खुद बिछ जाए, मेरा प्यार किसी ऐसे वैसे को मिलेगा नहीं, मुझे मेरे पापा से कम कोई चलेगा नहीं। वाह मनोज, वाह वाह। पापा, 4 लेटर्स का एक मामूली सा शब्द, इसमें वो ड्रामा नहीं जो बाप में है, वो गहराई नहीं जो बाबूजी में है, वो शुद्धता नहीं जो पिताजी में है, लेकिन कुछ तो है कि ये मामूली सा शब्द सुनते ही मेरे अंदर का मौसम बदल जाता है, मैं कुछ और हो जाता हूं। जिस दिन याद आ जाता है कि मैं अपने पापा का गुरूर हूं, उस दिन मैं सबसे अच्छा गाता हूं। वाह वाह। बहुत छोटी थी मैं जब खिलौनों की दुकान से पापा मेरे लिए एक क्राउन ले आए थे।
वो क्राउन पहनकर मैं क्वींस की तरह इतराती, डिब्बे जैसा अपना कमरा पैलेस की तरह सजाती। फिर मैं बड़ी हो गई, मेरे सपनों का जादू नगर पीछे छूट गया और वो क्राउन भी एक दिन हाथ से गिर के टूट गया। बरसों बरस बीत गए लेकिन आज भी पापा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उस क्राउन के कुछ टुकड़े मेरे माथे पर अभी तक बाकी हैं। वाह 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 वाह। मुझे शहजादी होने के लिए किसी बादशाह की जरूरत नहीं, मेरे पापा काफी हैं। क्या बात है, वाह। मैंने सुना है ब्रुनेई का सुल्तान सैकड़ों कमरों वाले पैलेस में रहता है। अरब में एक शेख है जो सोने की बनी हुई मोटर कार से चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नेट वर्थ 100 बिलियन डॉलर पार कर चुकी है। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए बैंक में जगह नहीं बची है। लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे बाबूजी जमे हुए हैं। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले, मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा।